हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केएनपी एनालिसिस पर। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 17 यानी कि अनुच्छेद नंबर 17, जिसमें एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता का अंत की बात कही गई है। अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता से संबंध क्या है, तात्पर्य क्या है, सबसे पहले हम इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अनटचेबिलिटी। डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, और अनटचेबिलिटी की डेफिनेशन जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी गई, लेकिन एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो अनटचेबिलिटी वाला आर्टिकल हमको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाना होगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, निश्चित रूप से संविधान के निर्माता बोला जाता है उनको, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड, और जब वो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे तो उन्होंने ये अनटचेबिलिटी वाला इशू खुद से देखा था उन्हें कि कुएं पे पानी नहीं पीने दिया जाता, अगर स्कूल में बैठे हैं तो नीचे बिठा दिया जाता है, फर्श पे सारी चीजें देखी थी उन्होंने। ये भी चीज देखी होगी कहीं ना कहीं, एक एग्जांपल के माध्यम से अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, मान लीजिए कोई एक पुजारी जी है किसी भी धर्म के, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, और एक सामने लोअर कास्ट वाला व्यक्ति जो है वो आपकी सड़क पर झाड़ू लगा रहा है। पुजारी जी अपने घर से बाहर निकले, देखा कि ये लोअर कास्ट वाला व्यक्ति है, झाड़ू लगा रहा है, तुरंत अपने घर में वापस गए और नहाने लगे। दोबारा से आए, दोबारा देखा, नमस्ते भी की, नमस्ते भी एक्सेप्ट नहीं की, दोबारा गए अंदर नहाने लगे, 3 बार 4 बार 5 बार। अब क्या करेगा लोअर कास्ट वाले व्यक्ति, FIR करेगा क्या? कम चांसेस है कि वो FIR करने जाएगा, क्योंकि एक्सेप्टेबिलिटी बहुत होती है हमारे, तो करने दो भाई, नहाएंगे थोड़ी देर में बीमार हो जाएंगे, मर जाएंगे। ये चीज़ें चलती थी अनटचेबिलिटी के नाम पर। तो फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या लिखा, भारतीय संविधान ने क्या लिखा अनटचेबिलिटी के लिए? भारतीय संविधान ने 3 चीज लिखी है अनटचेबिलिटी के लिए एक ही आर्टिकल में, और आर्टिकल नंबर 17 में। भारतीय संविधान ने लिखा है आर्टिकल नंबर 17 में कि अनटचेबिलिटी जो है वो एबॉलिश की जाती है, और इसकी एबॉलिश का मतलब खत्म की जाती है, और इसकी प्रैक्टिस किसी भी फॉर्म में, चाहे आप बात करने से करो, चाहे आप छूने से करो, चाहे आप किसी और के बारे में कुछ बोलो, ठीक है, किसी शब्द का इस्तेमाल करो, अगर ऐसी आप किसी भी फॉल में अनटचेबिलिटी को स्प्रेड कर रहे हो तो आप नहीं कर सकते, वो फॉल बिडन है। इसके बाद फिर एक और चीज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐड की है, और वो ये है कि अनटचेबिलिटी जो है वो पनिशेबल ऑफेंस होगा, यानी कि अगर आप अनटचेबिलिटी को फैलाते हो तो आपको दंड मिलेगा, और वो दंड के आधार पर मिलेगा, वो एक लॉ है जो स्टेट बनाएगा कि भाई अगर ये अनटचेबिलिटी को स्प्रेड करता है तो इसको इस आधार पर दंड मिलना चाहिए। देख लेते हैं एक बार क्या कहता है आर्टिकल नंबर 17। तो आर्टिकल नंबर 17 कहता है, लेक्चर नंबर 11 है, अगर इससे आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप समझ सकते हो कि लेक्चर नंबर 11 में हम अभी आर्टिकल नंबर 17 पर आए, यानी कि ये वीडियोस कितनी डिस्कस और कितनी डिटेल्स में होंगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है खुद से। तो बात कर लेते हैं अनटचेबिलिटी की, यानी कि अस्पृश्यता इसकी हिंदी है। तो सबसे पहले ये बोलता है कि अनटचेबिलिटी देखो, अनटचेबिलिटी को जो है मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में पुट अप किया है, तो इसका कुछ मीनिंग होगा इन्वर्टेड कॉमा का, वो लास्ट में डिस्कस करेंगे। अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड, यानी कि अनटचेबिलिटी खत्म, एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म, एंड इट्स और इसकी प्रैक्टिस यानी कि इसका प्रयोग किसी भी फॉर्म में फॉरबिडन है, वो आप नहीं कर सकते, अवैध है, ठीक है। इसके अलावा क्या करता है जो आर्टिकल नंबर 17 है, इसके अलावा क्या कहता है, इसके अलावा आर्टिकल नंबर 17 कहता है कि अनटचेबिलिटी इज ए पनिशेबल ऑफेंस, एंड अकॉर्डिंग टू ए लॉ ऑफ द स्टेट। आर्टिकल नंबर 17 ने अपने संविधान ने नहीं बताया कि क्या पनिशमेंट मिलेगा। मान लो अगर आप किसी के SC ST या किसी वर्ग के लिए कोई शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या पनिशमेंट मिलेगा, ये आर्टिकल नंबर 17 नहीं बताता है।
वो कहता है कि ये लॉ बताएगा स्टेट का, और स्टेट का मतलब यहाँ आर्टिकल नंबर 12 से हम डिस्कस कर रहे हैं, जो स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल नंबर 12 में दे रखी है। तो यहाँ पे ये कहता है कि अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड, अनटचेबिलिटी को खत्म कर दिया गया है, एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन, यानी कि इसकी जो प्रैक्टिस है किसी भी फॉर्म में वो अब वैध नहीं है। अनटचेबिलिटी इज ए पनिशेबल ऑफेंस, अनटचेबिलिटी यानी कि जो अस्पृश्यता है अब वो दंडात्मक होगी, यानी कि अगर आप ऐसा ऑफेंस कोई करते हैं तो उसके लिए आपको दंड मिलेगा अकॉर्डिंग टू ए लॉ ऑफ द स्टेट, स्टेट के लॉ के अनुसार। बात यहां तक समझ आ गई थी। ये हुआ आर्टिकल नंबर 17 की थीम, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है। अब लोगों ने इसके क्या क्या मतलब निकाले, पॉलिटिक्स जो थे इंडियन पॉलिटिक्स एनालिसिस जो करने वाले हैं उन्होंने इसके क्या क्या मतलब निकाले, उस चीज को डिस्कस कर लेते हैं और एक दो केस भी देख लेंगे सुप्रीम कोर्ट का। अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता की परिभाषा कहां पर है, अनटचेबिलिटी डिफाइंड कहां पर है, तो आपको एक चीज बता दूं, अनटचेबिलिटी जो है यानी कि जो अस्पृश्यता है वो कहीं भी डिफेंड नहीं है, कहीं भी परिभाषित नहीं है। पेपर में एक नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, किसी भी पेपर में अगर अनटचेबिलिटी से क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन यही होगा कि भाई अनटचेबिलिटी कहां पर डिफेंड है ज्यादातर केसेस, समझे। तो ना अनटचेबिलिटी अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन की है, उसने एक ब्रॉड एस्पेक्ट बता दिया कि ऐसा होगा, लेकिन परिभाषा कहीं नहीं है कि अनटचेबिलिटी ये ही होगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने तो बोला ही नहीं है कि अनटचेबिलिटी ये है। बात आई कि फिर इसका मीनिंग क्या है अनटचेबिलिटी का, परिभाषित तो करना था इसे। तो सुप्रीम कोर्ट के पास मैसूर हाई कोर्ट के पास एक केस जाता है, किसके पास, मैसूर हाई कोर्ट जो है वो थोड़ा सा अनटचेबिलिटी को मीनिंग को हमें बताने की कोशिश करता है और बताता भी है। मैंने आपको ध्यान हो तो मैंने बोला था कि भाई वहां अनटचेबिलिटी हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। इन्वर्टेड कॉमा में लिखने के बाद मैसूर हाई कोर्ट बोलता है कि अनटचेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि जैसा ये लिटरेरी यानी कि इंग्लिश के मीनिंग में है, इंग्लिश के मीनिंग में तो यही हुआ ना छुआछूत वाला। अब मान लो किसी को कोरोना हो गया, ठीक है, और वो बोले कि आके मुझे छुओ, तुम मुझे इसलिए नहीं छू रहे कि तुम तो अनटचेबिलिटी स्प्रेड कर दो, अनटचेबिलिटी मानी जाएगी है, नहीं मानी जाएगी। असलियत में छुआछूत अगर आप देखोगे नॉर्मल भाषा में, इंग्लिश वाली भाषा में, तो कोरोना वाले बंदे को छूना चाहिए, वरना फिर आपको जेल हो सकती है, क्योंकि वो भी तो अनटचेबिलिटी है, आप उसे छू नहीं रहे। तो सुप्रीम कोर्ट मैसूर हाई कोर्ट ने ये बोला कि सबसे पहली बात तो अनटचेबिलिटी इंग्लिश वाले मीनिंग का जो डेफिनेशन है वो वाली डेफिनेशन नहीं है, इंग्लिश वाला मीनिंग नहीं है। तो वकील साहब ने पूछा भाई बताओ फिर अनटचेबिलिटी का मतलब क्या है। तो इसने अनटचेबिलिटी की दो परिभाषाएं, पहला तो ये कास्ट रिलेटेड है, पहला ये कास्ट रिलेटेड है यानी कि जाति संबंधित है, और मैसूर हाई कोर्ट के डिसीजन से पहले अनटचेबिलिटी केवल कास्ट से संबंधित मानी ही जाती थी। जब मैसूर हाई कोर्ट ने इतना बोल दिया कि कास्ट रिलेटेड है, उसके बाद पब्लिक बहुत चालाक थी, वो बोली ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट में एक और केस जाता है, सुप्रीम कोर्ट में बहुत फेमस केस है, बहुत फेमस केस है, आपको पता भी होगा, और उस केस का नाम है सबरीमाला केस। क्या था सबरीमाला केस का इशू, कि भाई जो मंदिर है उसमें महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता, यही था सबरीमाला। वहां पे बोला गया कि ये भी अनटचेबिलिटी का हिस्सा है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये भी अनटचेबिलिटी का हिस्सा है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये भी अनटचेबिलिटी का यानी कि अस्पृश्यता का एक हिस्सा है, कि आप किसी को प्योर इम्प्योर, ठीक है, ऐसे मानकर अगर किसी को प्रवेश नहीं देते तो वो अनटचेबिलिटी होगी। अभी रामनाथ कोविंद जी जो आज तो शायद हट जाएंगे राष्ट्रपति से, मतलब समय समाप्त हो जाएगा उनका कार्यकाल की समाप्ति, तो एक बार वो मंदिर गए थे साउथ के किसी मंदिर में,
उनको भी प्रवेश नहीं दिया गया राष्ट्रपति को कि वो दलित हैं, ये होती है अनटचेबिलिटी। ठीक है, तो यानी कि आपको किसी आधार पर जाति या ऐसे किसी प्योर और इम्प्योरिटी के आधार पर अगर आपको कहीं प्रवेश ना दिया जाए, आपको कहीं मान लो कुएं से पानी ना पीने दिया जाए, आपको रेस्टोरेंट में एंट्री ना मिले, आप पब्लिक पार्क में ना जा पाएं, आप स्कूल में डेस्क जो है उस पर ना बैठ पाएं, बेंच पे ना बैठ पाएं, आपको नीचे फर्श पे बिठा दिया जाए, वो सारी चीज़ें अनटचेबिलिटी के अंतर्गत आती हैं। ये थे अनटचेबिलिटी। अब अनटचेबिलिटी किस किस से रिलेटेड हो गई है? एक तो कास्ट रिलेटेड है, यानी कि अब दो चीजें अनटचेबिलिटी से, एक तो कास्ट रिलेटेड, क्योंकि हमारे संविधान जब बना था जब वहां अनटचेबिलिटी कास्ट रिलेटेड ही होती थी, ज्यादातर जाति संबंधित ही होती थी। और अब दूसरा अनटचेबिलिटी का कंसेप्ट क्या ऐड हो गया है? प्योर वर्सेस इम्प्योर, प्योर वर्सेस इम्प्योर। अरे भाई, आप ऐसी जाति वाले को इसीलिए तो इम्प्योर मानते हो क्योंकि वो इस जाति से है और आप अपने आप को मतलब प्योर मानते हो, यही तो डिफरेंस है ना अनटचेबिलिटी में, कि ना तो आपको किसी को प्योर मानना है ना आपको किसी को इम्प्योर मानना है। एक चीज आर्टिकल 17 पे दोबारा आते हैं, आज हो रहा है राइट टू स्लीप का हनन, आर्टिकल नंबर 21 में राइट टू स्लीप, हथौड़े बजा बजा, हाँ चलो डिस्कस करते हैं। आर्टिकल नंबर 17 में दो चीज़ें आती हैं, एक एक्सेप्शन है कि नहीं है, यानी कि आर्टिकल नंबर 17 में कोई अपवाद है कि नहीं है, अपवाद एक्सेप्शन। पहली बात तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो किसी एसएससी या पीएससी एग्जाम में पूछा जाएगा, पीसीएस वाला जो स्टेट पीएससी वाले एग्जाम होते हैं, यूपीएससी तो पूछने से रहा। रीजन में बता देता हूँ क्यों, इसके दो कंसेप्ट हैं और एक कंसेप्ट हमें हमेशा बताया जाता है और मैं आज आपको दूसरा कंसेप्ट भी बताने वाला हूँ। एक तो चीज बोली जाती है कि इसमें नो एक्सेप्शन, यानी कि इसमें कोई अपवाद नहीं है, आर्टिकल नंबर 17 में कोई अपवाद नहीं है। भाई आप अनटचेबिलिटी किसी भी फॉर्म में करे, कोई भी करे, ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं कह सकते भाई मैंने वेद के आधार पे कर ली, मेरी तो संस्कृति परमिशन देती है, या ये गंदा लग रहा था मुझे इसीलिए मैं नहीं गया, आप इस आधार पे अनटचेबिलिटी को स्प्रेड नहीं कर सकते। तो यानी कि एक्सेप्शन कोई बचा नहीं, लेकिन एक एक्सेप्शन मैं बताता हूँ कि आर्टिकल नंबर 17 खुद ही अपने आप में एक अपवाद है सारे फंडामेंटल राइट्स में, और वो अपवाद ये है कि आर्टिकल नंबर 17 में अनटचेबिलिटी लिखने के बाद, आर्टिकल नंबर 17 में अनटचेबिलिटी लिखने के बाद ऐसा नहीं है कि ये खुद पे खुद लागू हो गया। आप जैसे आर्टिकल नंबर 19 में पढ़ोगे राइट टू मूव, इसका मतलब वो लागू है। आपने आर्टिकल नंबर 16 में पढ़ा कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द एम्प्लॉयमेंट, मतलब लागू हो गया। 15 में आपने पढ़ा कि भाई मैं किसी भी कुएं पे पानी पी सकता हूँ, मतलब लागू हो गया। तो यहाँ पे मीनिंग क्या है? यहाँ पे ये है कि जब तक स्टेट लॉ नहीं बनाएगा, जब तक सरकार लॉ नहीं बनाएगी, अनटचेबिलिटी लागू नहीं होगी। यानी कि इसमें एक्सेप्शन ये है कि सरकार को पहले लॉ बनाना पड़ेगा, सरकार को पहले लॉ बनाना पड़ेगा। जब तक लॉ नहीं बनेगा, जब तक ये आर्टिकल एक्शन में आएगा ही नहीं। इस आर्टिकल को एक्शन में लाने के लिए आपको, यानी कि सरकार को, स्टेट को पहले लॉ बनानी पड़ेगी। तो एक्सेप्शन में दो चीजें आई, एक तो अगर आपसे पूछे कि कौन से आर्टिकल में एक्सेप्शन नहीं है, आर्टिकल नंबर 17, और अगर आपको कहीं डिबेट में पूछे कि आर्टिकल 17 में एक्सेप्शन क्या है, तो वो एक्सेप्शन ये है कि अनटचेबिलिटी ऐसा कानून है जिसे पार्लियामेंट को पहले लॉ बनाना पड़ेगा। मैंने इसमें एक चीज ऐड की थी, पनिशेबल ऑफेंस, ध्यान रहा होगा आपको जब आर्टिकल नंबर 17 बताया था, यानी कि दंड आपको मिलेगा अगर आप ऐसा कोई अवैध कार्य करते हैं, अनटचेबिलिटी स्प्रेड करते हैं। पार्लियामेंट को पावर कहां से मिली है? यानी कि पार्लियामेंट जो हमारा संसद है, उसे पावर कहां से मिली कि वो दंड दे सके किसी को? किसने दी पावर? आर्टिकल नंबर 35 में, आर्टिकल जब आप 17 पढ़ोगे तो आपको 35 पढ़ना पड़ेगा,
एक ही साइड है, वन साइडेड है। ये नहीं कि आप 35 पढ़ोगे तो 17 ही पढ़ना पड़ेगा। जब जब आर्टिकल 17 की बात होगी तो आर्टिकल 35 की बात होगी। रीजन ये है कि आर्टिकल 35 में ही लिखा है कि पार्लियामेंट किसी भी फंडामेंटल राइट को एस्टेब्लिश करने के लिए कोई भी लॉ बना सकता है और कोई भी पनिशमेंट दे सकता है। ये पार्लियामेंट का अपना अधिकार है, ये लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 35 में। और जो फंडामेंटल राइट का लास्ट राइट है, जो फंडामेंटल राइट का लास्ट राइट है, फंडामेंटल राइट कहाँ पे है? फंडामेंटल राइट पार्ट नंबर 3 में दे रखे हैं हमको, ठीक है। आर्टिकल कितने से कितने तक है? 12 से 35 तक है। और ये जो आर्टिकल 17 आता है किस वाले आर्टिकल में आता है? राइट टू इक्वलिटी में, राइट टू इक्वलिटी में आता है ना, इसी में आर्टिकल नंबर 14 से 18, समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 में पढ़े हुए हैं हमने। ये था आर्टिकल नंबर 17 का एक डिस्कशन। अब बात आती है कि फिर पार्लियामेंट ने किया क्या इसके लिए। मैंने बोला कि आर्टिकल 35 जो पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो किसी भी फंडामेंटल राइट को एस्टेब्लिश करने के लिए कोई पनिशमेंट दे सकता है या कोई लॉ बना सकता है, तो क्या पार्लियामेंट ने ये काम किया किया कि नहीं किया? बताओ, कोई दुख दर्द समस्या अभी तक हो इसे समझने में? वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो। सावन भी चल रहा है, क्या बात कर रहे थे? हाँ, तो फिर आर्टिकल 35 ने क्या कोई ऐसा लॉ बनाया कि जिससे हम आर्टिकल 17 को स्प्रेड कर सकें? बिल्कुल बनाया सर, और वो दो बार बनाया। 1955 में बनाया गया और उसके बाद उसे अमेंड किया गया। 1955 में बनाया गया, उसके बाद उसे अमेंड किया गया। 1955 में क्या बनाया? अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट, अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 अमेंड किया गया। अमेंड क्या किया गया इसका? फिर अमेंड जो, यानी कि उसमें संशोधन क्या किया गया? संशोधन किया गया उसका नाम बदल करके प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। पेपर में आता है कि अनटचेबिलिटी को रोकने वाला कानून कौन सा है, तो उसका आंसर है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। आंसर आता है एसएससी अग्निवीर, हर पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है, यहाँ तक कि यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन आपको मेंस में हेल्प करेगा, शायद प्री में तो क्या ही आएगा, ठीक है। तो ये है अनटचेबिलिटी को रोकने वाला कानून, कौन सा वाला? ये वाला, नीचे वाला, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। समझे नहीं समझे? इसके अलावा इसमें एक और कानून आ जाता है थोड़ा सा, यहां तक समझ आया? अगला कानून क्या है फिर? एक लॉ सुना होगा आपने, और जो यूपी वाले उन्होंने तो स्पेशली सुना होगा कि जब मायावती की गवर्नमेंट आई थी, मायावती जो है बसपा की मुख्यमंत्री थी उस टाइम, तो उनकी गवर्नमेंट में एक चीज सुनी थी हमने कि भाई इसने एससी एसटी का एक लॉ बहुत तगड़ा दे दिया। लॉ में क्या था उसमें? उसमें यह था कि अगर कोई एससी एसटी वाला बंदा बोल भी दे ना कि इसने मेरे साथ मेरे जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया, ये किया वो किया, उसे पुलिस पकड़ के ले जाएगी, पहले जेल भेजेगी। ये था एससी एसटी एक्ट में। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने देखा और उसने बोला कि भाई ये लॉ यूज से ज़्यादा मिसयूज हो रहा है, आप प्रूफ कैसे करोगे कि मैंने बोला नहीं बोला? तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको इसमें पहले पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी कि इसने सच में ऐसा बोला नहीं बोला, क्या कारण थे, क्या इनकी भूमिका थी, क्या बेस था, और उसके बाद फिर अरेस्ट होगा। तो ये था प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। समझ आई कि नहीं? अब बात आती है कि अगर मान लो किसी ने अनटचेबिलिटी स्प्रेड कर दी, किसी ने बोल भी दिया कि भाई किसी को जाति सूचक शब्द बोल दिया, एक कोई नेताजी स्पीच दे रहे थे, बोल दिया इस जाति की वोट नहीं चाहिए हमें, ये जाति ऐसी है,
कुछ बोल दिया मान लो आप, ठीक है, फिर क्या होगा उस कालिया का? तो उस कालिया के साथ दो चीजें होंगी, या लिंक मत कर लेना किसी कालिया से, है ना। उस कालिए के साथ दो चीजें होंगी। सबसे पहली चीज कि वो लोकसभा या राज्यसभा का इलेक्शन नहीं लड़ सकता, या एमएलए का, वो एमएलए का लोकसभा का या राज्यसभा का इलेक्शन नहीं लड़ सकता। समझे नहीं समझे? इसके बाद और क्या चीज होगी? फिर इसके बाद एक और चीज होगी कि अगर कोई ऐसा करते हुए पाया गया जो अनटचेबिलिटी स्प्रेड कर रहा है, तो उसे कम से कम 1 से 2 साल की जेल तो काटनी ही पड़ेगी। 1 से 2 साल की जेल काटनी ही पड़ेगी। ये दो चीजें थी, लोकसभा राज्यसभा एमएलए का इलेक्शन नहीं लड़ सकता, प्लस 1 से 2 साल की जेल काटनी पड़ेगी। अनटचेबिलिटी की फॉर्म जो है वो भी बता देता हूँ कौन कौन सी हो सकती है। एक तो हो सकती है डायरेक्ट, डायरेक्ट का मतलब आपने किसी पर्सन से ही कुछ बोल दिया, वहां बहुत सारे पर्सन थे आपने उनकी बोल दिया कि ये वाली जाति ऐसी, ये वाले ऐसे लोग। एक होता है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट का मतलब है वहां कोई था तो नहीं लेकिन आपने किसी मीटिंग में किसी रैली में बोल दिया कि इस वाली पार्टी इस वाली कास्ट की तो हमें वोट चाहिए ही नहीं, ठीक है। एक हो सकता है इनडायरेक्ट का, एक और मेथड हो सकता है कि आप पब्लिक पार्क्स वगैरह में इनको किसी को, या डायरेक्ट में भी हो सकता है कि आप इनमें जाने ना दें, उसे रोक लें। और एक हो सकता है कि अगर आप जस्टिफाइंग भी कर दे अनटचेबिलिटी को, जैसा मैंने बताया कि भाई हमारे तो इतिहास में होता रहा है, हमारी तो पीढ़ी ऐसी करते रही है कि अनटचेबिलिटी होनी चाहिए, तो भी वो अनटचेबिलिटी की फॉर्म मानी जाएगी, तो भी वो अनटचेबिलिटी की फॉर्म मानी जाएगी। ये था आर्टिकल नंबर 17 अनुच्छेद नंबर 17 अस्पृश्यता का अंत, और ये था लेक्चर नंबर 11 और क्लास नंबर 11 लेक्चर तो फैल गया ही होगा। ये था फिर क्लास नंबर 11। नेक्स्ट क्लास में हम आर्टिकल नंबर 18 डिस्कस करेंगे। टाइटल रिलेटेड जो आर्टिकल है यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, आर्टिकल 17-18 हर जगह से क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो कहने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन आप कर दोगे इसे, और कोई दिक्कत समस्या कुछ हो तो बताना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।